आकाश भूमि न्यूज, खबरों का संसार सीधे आपके द्वार। खबर जनपद भदोही से है, जहां ज्ञानपुर ब्लॉक परिसर समेत 3 गांव हॉटस्पॉट घोषित किए गए। आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हॉटस्पॉट घोषित स्थानों को कराया सील। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या जनपद में चिंता का विषय बनी हुई है। सोमवार के दिन ज्ञानपुर ब्लॉक परिसर स्थित आवास में रहने वाला वार्ड बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया, अतः ब्लॉक परिसर को सील कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से गोपीगंज नगर स्थित ज्ञानपुर ब्लॉक परिसर, हरिहरपुर, महबूबपुर व दौड़िहारी गांव के सभी मार्गों को सील कर आवागमन रोक दिया गया है। पुलिस सील किए गए स्थानों से बाहर आने जाने वालों पर पैनी नजर बनाए हुए है। सभी पॉजिटिव मरीजों को मिर्जापुर के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। ज्ञानपुर ब्लॉक परिसर को तहसीलदार देवेंद्र यादव ने पुलिस की मौजूदगी में सील कर दिया। कोरोना पॉजिटिव मामले जनपद में कुल 27 हैं, जिनमें से 21 मामले अभी भी सक्रिय हैं। 3 ठीक होकर घर जा चुके हैं तथा 3 की मौत हो चुकी है। मंगलवार को सीएचसी डीग अधीक्षक डॉक्टर गुलाब शंकर ने बताया कि ऊंच के दौड़िहारी गांव में स्वास्थ्य टीम सर्वे कर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करेगी। पॉजिटिव मरीज के सीधे तौर पर संपर्क में आए 4 लोगों को महाराजा बलवंत सिंह चिकित्सालय भदोही में क्वारंटाइन कर स्वैब सैंपल लिया गया। उधर हॉटस्पॉट जोन के सर्वे में सूर्यावा सीएचसी क्षेत्र के भंडा व गोपीगंज सीएचसी अंतर्गत मकनपुर में रविवार को 1-1 कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद जिले का स्वास्थ्य विभाग रेड अलर्ट पर है। सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर भंडा गांव में 2 स्वास्थ्य टीमों ने सर्वे किया। गोपीगंज सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष पांडे के अनुसार मकनपुर गांव का मंगलवार के दिन सर्वे किया गया, जिसमें 388 घरों के सर्वे में सभी स्वस्थ मिले। जिले में यदि संक्रमण बढ़ता है तो कहीं ना कहीं होम क्वारंटाइन किए हुए वे लोग इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हो सकते हैं, जो होम क्वारंटाइन के नाम पर बाहर घूम रहे हैं। शुक्र है गांव के लोग प्रवासियों का 14 दिन के लिए सामाजिक बहिष्कार कर संक्रमण को रोकने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जनपद भदोही से चीफ एडिटर सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।